महाराज बाहर आ जा, बाहर आ जा, आपको कुछ नहीं होगा बेटे। ये खूबसूरत तस्वीरें हैं सोपोर की, उस कश्मीर की जहां आतंक के बादल हमेशा छाए रहते थे। कश्मीरी युवा आतंक की गोद में समा जाता था, लेकिन अब लगता है कि जम्मू कश्मीर में आतंक के बादल धीरे धीरे छट रहे हैं। बीते कुछ दिनों में आतंक की राह पर गए कई युवाओं ने सुरक्षा बलों के सामने सरेंडर किया। हमने आपको पहले भी एक तस्वीर दिखाई थी जिसमें भारतीय सेना ने एक युवक को कितने प्यार से सरेंडर कराया था और फिर उसके चाचा को उसे सौंप दिया था। खुदा के वास्ते, अपने घर वालों के वास्ते आपको कुछ नहीं होगा, इसकी गारंटी देता हूँ। अपना हथियार फेंक दे, हाथ ऊपर कर, बाहर सरेंडर कर दे। आजा शाबाश, गुड। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, एकदम आराम से, कुछ नहीं। आ जाओ शाबाश, शाबाश, आ जाओ। पानी दो, पानी लाओ, पानी लाओ। क्योंकि सेना की भी प्राथमिकता अब आतंकियों के सफाई से ज्यादा उनके सरेंडर पर है, क्योंकि ये भूले भटके वो जवान हैं जिन्हें आतंकवादी ब्रेन वॉश कर जिहाद की लाइन में लगा देते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ घाटी के सोपोर में। सोपोर के तुज्जार इलाके में सुरक्षा बलों को एक घर में दो आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। मौके पर सेना पहुंची, पुलिस के जवानों ने घर को चारों ओर से घेर लिया और उन्हें सरेंडर करने की अपील की। सेना के अधिकारियों ने पूरे अपनेपन से आतंक की राह पर गए मेराज नाम के युवक को मनाना शुरू किया। और मेराज, हथियार छोड़ के हाथ ऊपर करके आ जाना, आपको कुछ नहीं होगा, बाहर आ जाओ। मेराज बाहर आ जा, बाहर आ जा, आपको कुछ नहीं होगा बेटे, बाहर आ जा, कुछ नहीं होगा। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, बस आ जा, आ जा। पीछे घूम जाओ, पीछे घूम जाओ भाई, सर्च कर ले। इन दोनों के बाहर आते ही सेना के जवानों ने उनकी तलाशी ली और अपने साथ ले गए। इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, सर्च कर लो। ले आ दोनों, गाड़ी में लेके चल, गाड़ी, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। आपको बता दें कि इससे पहले भी एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें भारतीय सेना ने आतंकी की मां से अपील कराई थी, बेटा सरेंडर कर दो, बाहर आ जाओ, अपनी मां के लिए बाहर आ जाओ, लेकिन वो आतंकी नहीं माना और मजबूरन भारतीय सेना को उसे ढेर करना पड़ा। लेकिन सुरक्षा बलों का इरादा सिर्फ पहले यही होता है कि आतंकियों का सरेंडर करा जाए, अगर वो नहीं मानते तो उन्हें ठोक दिया जाता है। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं वो किस तरह से उनका डर दूर कर रहे हैं कि कोई उसे नहीं मारेगा, बस वो हथियार डाल दे। और सुरक्षा बलों की ये कोशिश रंग लाई भी और आतंकी ने सरेंडर कर दिया। तो ये नई भारतीय सेना है और ये नया कश्मीर है जहाँ का युवा अब बंदूक छोड़कर शांति की राह पर चलने के लिए तैयार हो चुका है। तो आप भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए।